हे गाइस कैसे हो आप लोग दिस प्रीति फ्रॉम माय हॉट चॉकलेट यू गाइस डिंग रियली वेल आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोग के लिए कुछ नए इनोवेटिव मेकअप और ब्यूटी हैक्स लेके आई हूँ मैंने ऑलमोस्ट टेन टू तो इलेवन ब्यूटी और मेकअप हैक्स शेयर किए हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं काफ़ी नए हैं और जब आप इसको यूज़ करोगे ट्राई करोगे यू विल सी दैट डिफरेंस सो गाइज अगर आपको देखने वो सब कौन से हैक्स एंड टिप्स है प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग और अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा इज आप घर बैठे ही बहुत अच्छा स्टोप क्रीम बना सकते हो उसके लिए आपको लगेगा प्राइमर फिर हम लोग उसमें ऐड करेंगे कोई भी हाइलाइटर। दिस इज द परफेक्ट विच इज बाय कीरो दिस इज देयर डिओ हाइलाइटर आपको जो हाइलाइटर यूज करना है बहुत ज़्यादा शिमर नहीं होना चाहिए एकदम हल्का होना चाहिए जैसे कि इस हाइलाइटर में एकदम क्रीमी टेक्सचर का है और एकदम एक्यूरेट अमाउंट ऑफ हाईलाइट आपको देता है जब आप स्किन में लगाओगे एकदम नेचुरल लगेगा आप अपने प्राइमर में ये वाला हाईलाइटर ऐड कर लो और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लो मिक्स करने के बाद जस्ट यूज दिस ऑन योर स्किन का इट बिल्कुल नेचुरल लुकिंग इंटेंस ग्लो अप आ जाएगा आपके स्किन में और जो महंगे वाले स्टोप क्रीम आप मार्केट से खरीद रहे उसका जरूरत नहीं है बट मेक श्योर जो प्राइमर आप यूज करोगे जेल बेस ना हो तभी ये ज्यादा अच्छा काम करेगा इस टाइप का प्राइमर रहेगा ना आप देखना सा क्रीम बन जाएगा यू कैन यूज इट एनी टाइम एनी कोई भी पार्टी में आप जा रहे हो जब आप यूज करोगे यू विल सी द डिफरेंस इसके ऊपर जब आप अपना फाउंडेशन लगाओगे ना यू विल फील द ग्लो ऑन योर स्किन फॉर माई नेक्स्ट है अगर आपका फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा लाइट आ गया है या फिर आपको टैनिंग आ गया और फाउंडेशन लाइट शेड का हो गया है आपको कुछ नहीं करना है जस्ट फाउंडेशन ले लो उसमें आप कोई भी ब्लू कलर ऐड कर सकते हो यू कैन गो इधर विद डार्क ब्लू और लाइट ब्लू बट मैंने नोटिस किया था जब मैंने थोड़ा सा डार्क ब्लू मिलाया ना तो ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन बन गया था अपने कोई भी लाइट शेड फाउंडेशन के साथ ऐड अ लिटिल बिट ऑफ योर ब्लू कलर आई शैडो You will see that difference, guys. अभी अगर आप घर में फ्री बैठे हो और आपके पास आपका फाउंडेशन आस पास है या वैनिटी में उसको निकालो एंड ट्राई दिस हैक बिलीव मी मजा आ जाएगा और ब्यूटिफुली ब्लेंड हो जाएगा आप डिफरेंस देख सकते हो जिसमें मैंने ब्लू कलर मिला वो कितना डार्क हो गया और जिसमें नहीं मिलाया था वो एकदम लाइट शेड का है ट्राई दिस आउट और ब्लेंड करके देखिएगा ना पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई कलर मिला के यू नो फाउंडेशन शेड को डार्क किया है Guys, ये सब मजेदार हैक्स के लिए तो एक लाइक like बटन बनता ही है फॉर माई नेक्स्ट हैक विच इज अगेन अ फाउंडेशन हैक अगर आप अपना फाउंडेशन लगा रहे हो ब्लेंड कर रहे हो तो भी जो शेड है काफी लाइट है आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो अगर आपको कुछ नहीं मिक्स करना है फाउंडेशन लगाने से पहले आप थोड़ा सा क्रीम ब्रॉन्जर ले लीजिए और उसको अपने फेस में लगा लीजिए जैसे कि आप ब्रॉन्जिंग करते हैं ना उस हिसाब से अपन फेस पहले ब्रॉन्जिंग कर लीजिए उसके बाद आप अपना लाइट शेड वाला फाउंडेशन पिक करिए और उसको फेस में लगा लीजिए और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए इससे क्या होगा आपका फाउंडेशन वेस्ट नहीं होगा और जैसे ही आप ब्लेंड करोगे आप देखना फाउंडेशन शेड एक्जैक्टली आपके स्किन टोन को मैच कर जाएगा बिल्कुल लाइट है hack, guys, मैं आज आपको राइट तरीका बताती हूँ कंसीलर लगाने का आपको जस्ट अपना ब्रश लेना है उसके बैक साइड से अपने लोअर लिड को थोड़ा सा उठा लेना है और तब अपने कंसीलर को लगाना है मेकअप आर्टिस्ट लोग भी ज़्यादातर ये टेक्निक यूज करते हैं इससे क्या होता है जिन लोगों का बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस रहता है ना उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से यू you नो know, बैठता है सेटल डाउन हो जाता है क्रीसिंग बिल्कुल नहीं होगा लाइन लाइन नहीं आ जाएगा मैं आपको अभी लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ प्रोडक्ट ब्लेंड करने के बाद आप डिफरेंस देखिए ये साइड कितना प्लेन है एंड द अदर साइड थोड़ा थोड़ा लाइन अभी भी है फॉर माई नेक्स्ट स्टेप गाइज लूज पाउडर्स को आपको यूज़ कैसे करना है यूज़ दीज टाइप ऑफ पफ ये बहुत अच्छा रहता है लूज पाउडर लगाने में आपको ब्रश का भी जरूरत नहीं है ब्यूटी ब्लैंडर का भी जरूरत नहीं जब आप कंसीलर लगा लोगे आप अपना ये वाला पफ लो हल्का सा लूज पाउडर लो और अपने कंसीलर को सेट कर लो इतना ब्यूटिफुल सेट करेगा आपको अलग से ना पाउडर लगा के छोड़ के थोड़ा देर बाद हटाना है वो सब कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा आप यहाँ देखिएगा जैसे मैंने पफ़ की हेल्प से लूज पाउडर लगाया है कितना अच्छे से सेट हो गया इसके ऊपर कोई भी आपको ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर यूज करने का जरूरत नहीं है For my next hack, hack. Guys, आप अपने फिंगर में कोई भी दो शिमर शेड को मिक्स करके ले लो और जस्ट अपने आईलिन में जाके इस तरीके से लगा लो जैसे कि मैंने लगाया है उसके बाद आप अपना ब्लेंडिंग ब्रश ले लो उसमें कोई भी ब्राउन शेड या जो भी ट्रांजिशन शेड आपको चाहिए उसको थोड़ा सा लेके अपने यू नो क्रीस लाइन में जाके अच्छे से उसको ब्लेंड कर लो एंड यू कैन सी द डिफरेंस कितना ब्यूटिफुली सिर्फ टू स्टेप्स में आपको वो यू नो आई शेडो लुक मिल गया है अगर पार्टी में आप जा रहे हो टाइम नहीं है ट्राई दिस हैक गाइज मुझे आप जरूर याद करोगे नेक्स्ट अप गाइज आप स्मोकी आई कैसे क्रिएट कर सकते हो यूज दिस टाइप ऑफ आई शेडो स्टिक्स दिस इज बाय कीरो और ये कलर है इन द शेड कॉपर जीरो टू आई रियली लव दिस जब मुझे स्मोकी आई क्रिएट करना होता है आई ऑलवेज गो फर्स्ट स्टिक आई शेडोज आपको जस्ट हल्का सा यू you नो know, लगाना है अपने लिड में और उसको फिंगर हेल्प से ब्लेंड कर लेना है दिस इज़ रियली लॉन्ग लास्टिंग और एकदम क्रीमी टाइप का है बहुत ईजिली यू नो ग्लाइड हो जाता है और लग जाता है लॉन्ग लास्टिंग भी है बहुत पिगमेंटेड भी है और ज़्यादा वेट भी नहीं है स्टिक फाउंडेशन का यही चीज मुझे अच्छे लगते हैं बहुत ईजिली लग जाते हैं उसके बाद आप कोई भी सिमिलर शेड का कलर पिक कर कल लो अपने आई शेडो पैलेट से उसको ब्लेंडिंग ब्रश में लेके अपने क्रीज एरिया में लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लो गाइज ईजी बिजी स्मोकी आई चाहिए ट्राई दिस हैक यू विल लाइक इट उसके बाद आप अपना आई लाइनर ले लो बट मेक श्योर यूज अ जेल आई लाइनर दिस इज अनदर हैक ट्राई गोइंग फॉर मोर जेल लाइनर इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग लिक्विड लाइनर्स और पेंसिल लाइनर्स आप हल्का सा विंग क्रिएट कर लो यूजिंग योर जेल लाइनर जेल लाइनर में क्या खासियत होता है तो ना कंट्रोल अच्छा रहता है जल्दी से फैलता नहीं है और सब liners जल्दी फैल जाते हैं इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ गो फॉर जेल लाइनर एंड जब आप विंग लाइनर क्रिएट करोगे यू विल सी ज़्यादा ईजिली आपका विंग क्रिएट हो रहा है उसके बाद आप अपना कोई भी फेवरेट मस्कारा लगा लो अपने लैशेज में यू कैन ऑल्सो गो फॉर फ़ॉल्सीज एंड वोला यू आर डन आपका आई मेकअप हो गया यू कैन प्ले अराउंड विद एनी कलर बहुत अच्छा लगेगा फॉर मैं नेक्स्ट हैक गाइज अपने वाइट पेंसिल का आप मैक्सिमम यूसेज कीजिए नॉट ओनली फॉर योर वॉटर लाइन्स बट आप इसको डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो यू कैन यूज टू यू नो हाईलाइट योर नोज अपने ब्राउब को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हो ऑल्सो लिप एरिया के पास भी आप लगा सकते हो जब आप कोई भी यू नो लिपस्टिक लगा रहे हो आपको प्रोसाइज और वो शार्पनेस दिखाना है यूज़ व्हाइट पेंसिल ज़्यादा अच्छा काम करेगा कंसीलर से भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा यू कैन ऑल्सो यूज न्यूड शेड पेंसिल जो लोग न्यूड कलर लगाते हैं ना वाटर लाइन वो न्यूड कलर अपने हाईलाइट पर्पज पर भी यूज़ कर सकते हैं <laughs> फॉर माई नेक्स्ट पे थोड़ा सा कंसीलर लगाना है sure जो कंसीलर आप लगाओगे एक से दो शेड लाइट होना चाहिए तब मजा आएगा इस हैक का आप कंसीलर लगा के उसको अच्छे से अपने ब्लेंडर से ब्लेंड कर लो ब्लेंड हो जाने के बाद पिक एनी ब्लश जो आपके पास घर में अवेलेबल है उसको आप एज अ लिपस्टिक यूज करो मैंने यहाँ कीरो का ब्लश यूज किया है विच इज अगैन अ ड्यू ब्लश इसमें पिंक शेड है ऑरेंज शेड है आप लिप्स में लगाओगे ना लगेगा ही नहीं कि आपने लिपस्टिक मतलब लगाया नहीं है एंड इट वाज लुकिंग सो स्टनिंग और सबसे अच्छा बात ये बहुत देर तक मेरे लिप्स पे टिका हुआ था एकदम मैट फिनिश दे रहा था आई लव दिस हैक ये हैक क्रिएट करने में बहुत मज़ा आया फॉर्म ए लास्ट हैक आप अपने लिप टेंट को चिक टेंट को और बेहतर कैसे लगा सकते हो अक्सर जब आप चिक टेंट लगाओगे आप नोटिस करना वो ग्लोईपन रहता है शाइनीपन रहता है मैट फिनिश नहीं देता है आपको क्या करना है हल्का सा कंसीलर लेना है और इसके ऊपर लगा लेना है एंड देन जस्ट ब्लेंड इट टुगेदर बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं रहते चिक टेंट लगाने के बाद वो मैट फिनिश नहीं आता है और थोड़ा ग्लॉसी ग्लॉसी लगता है बट जब आप उस पर कंसीलर में ला लो आपका जो ब्लश है इतना ब्यूटीफुल लगेगा जितना ब्लेंड करोगे उतना लाइट होता रहेगा कलर अगर आपको डार्क चाहिए तो ज्यादा ब्लेंड करने का जरूरत नहीं है अगर आपको लाइट कलर मतलब लाइट शेड करना है अपने चिक टिंट का या का जस्ट इट ब्लेंडिंग इज द की दैट वॉज ऑल फॉर टुडे गाइज हैक्स ट्राई करके मुझे कॉमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको सारे बाय